हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। इट्स मी डॉक्टर काशिफ शहजाद, थर्ड ईयर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनात रजा ईरान से। इनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड अबाउट द प्रोसीजर कि वो किस प्रोसीजर से ईरान में जा सकते हैं, वहाँ का हॉस्टल किस तरह के हैं और फी स्ट्रक्चर क्या है, हाई रैंक एंड लो रैंक यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं एंड और भी डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड होप सो आप सबको रिलायबल आंसर्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसनात रजा काजिम एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेवन सेमेस्टर इन हमदान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इन ईरान। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर काशिफ शहजाद की उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान में जो मेडिकल की डिग्री है वो एमडी की डिग्री है और जो एमडी की डिग्री है इसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो 7 ईयर पर मुश्तमिल होती है। इसमें से जो सबसे पहले आपको 2 साल है उसको कहते हैं बेसिक मेडिसिन। उसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के अलावा माइनर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बेसिक मेडिसिन टेस्ट। वो क्लियर होने के बाद आपका फिजियोपैथ शुरू होगा। फिजियोपैथ नॉर्मली 1.5 ईयर पर मुश्तमिल होती है। फिजियोपैथ क्लियर होने के बाद आपका स्टेजर शुरू होगा। स्टेजर 1.5 से 2 ईयर पर मुश्तमिल होती है। स्टेजर क्लियर होने के बाद आप इंटर्नशिप करोगे जो कि 1.5 ईयर पर मुश्तमिल होती है। यूँ जो एमडी की डिग्री है आपको 7 ईयर में मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ एमबीबीएस की डिग्री भी यहाँ से आपको देती है, जिनमें तेहरान यूनिवर्सिटी है, हमदान यूनिवर्सिटी है और सारे यूनिवर्सिटी से समनान यूनिवर्सिटी है जो कि पाकिस्तान से वेरीफाइड है फिलहाल। तो उनमें जो लास्ट इंटर्नशिप का 1.5 ईयर है वो स्किप होता है। यूँ जो एमबीबीएस की डिग्री है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी जो 5.5 ईयर पर मुश्तमिल होगी। तो मैं प्रेफर करूँगा जो अगर आप ईरान में एडमिशन ले रहे हो तो एमडी की डिग्री करें जो 7 साल पर मुश्तमिल होगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग। क्राइटेरिया ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, एफएससी आपका क्लियर है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के जब ईरान अगर किसी ने जाना हो तो उसको कंसल्टेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है या उसकी जरूरत नहीं होती। यस, डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। अगर आप हमदान यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, किरमान यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, किरमानशाह में कर रहे हो, इला में कर रहे हो, औराक में कर रहे हो तो आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत होगी। अगर आप हाई रैंक यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, तेहरान में कर रहे हो, शिराज में कर रहे हो या इस्फहान में कर रहे हो या मशहद में कर रहे हो तो आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं होगी। आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है आपके एफएससी के नंबर के बेस पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ईरान में जो यूनिवर्सिटीज हैं हाई रैंक यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं एंड लो रैंक यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। हाई वर्सेस लो रैंक यूनिवर्सिटीज ऑफ ईरान। हाई रैंक यूनिवर्सिटीज में आपका तेहरान यूनिवर्सिटी, ईरान यूनिवर्सिटी, मशहद यूनिवर्सिटी, शिराज यूनिवर्सिटी आता है। लो रैंक यूनिवर्सिटीज में इलाम यूनिवर्सिटी, हमदान यूनिवर्सिटी, किरमान यूनिवर्सिटी, किरमानशाह यूनिवर्सिटी आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के एक साल के अंदर उनकी फी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल की फ़ी कितनी है, ट्यूशन फ़ी कितनी है और कितने अखराजात मुकम्मल तौर पर आ जाते हैं एक साल के अंदर। आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अगर आप हमदान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको फ़ीस बनेगी, साल की ट्यूशन फीस है $3,200 ट्यूशन फीस है। इसके अलावा $100 पर मंथ हॉस्टल और $100 पर मंथ फूड मिला के आपको $1,200 साल का ये बनेगा। तो यूँ $4,400 में आपका साल का खर्चा हम निकल जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के अब हम तो यहाँ पे उर्दू बोलते हैं नॉर्मल और MBBS में हमारा उर्दू में होता है तो ईरान में जाके प्योर जुबान सीखनी पड़ती है या उर्दू में या इंग्लिश में चलाना पड़ता है। यस, लैंग्वेज बैरियर के बारे में आपको बताता चलूँ कि ईरान में आपको लैंग्वेज बैरियर का मसला होगा क्योंकि जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 साल की डिग्री है, यानी कि जो आपकी डिग्री है उसमें से सिर्फ 2 साल है जो बेसिक मेडिसिन है वो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको जो फिजियोपैथ है, आपको जो स्टेजर है, आपको जो इंटर्न है वो तीनों फारसी में पर्शियन में होगी। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें हमदान यूनिवर्सिटी है, तेहरान यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो फिजियोपैथ और स्टेजर के पेपर्स इंग्लिश में लेते हैं लेकिन आपको यहाँ पर पर्शियन सीखनी पड़ेगी। तो
होश बेहार तो है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज यू नो के कंट्री चेंज हो रहा है तो खाने के क्या मसाइल है वहाँ पर, हलाल फूड इजीली अवेलेबल होता है और वो फूड जो है हमारे से कितना डिफरेंट टाइप का है? फूड का तो आपको थोड़ा सा मसला आएगा बट ऐसा कोई इशू नहीं है फूड का, क्योंकि हलाल फूड ही मिलता है यहाँ पर आपको। जाहिर सी बात है इस्लामिक कंट्री है तो बाकी फूड थोड़ा नॉन स्पाइसी होता है तो आपको थोड़ा सा मसला होगा पहले बट आप एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं आएगा फूड का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के अब हॉस्टल्स में उनके क्या क्या मसाइल हैं और क्योंकि डिफरेंट कंट्री है तो हॉस्टल्स वगैरह में डिफरेंट इश्यूज होते होंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि यहाँ पर ईरान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है मेडिकल की वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, तो आपको यहाँ पर फैसिलिटीज अच्छे मिलेंगे तो आपको हॉस्टल और फूड का ऐसा कोई इशू नहीं होगा। हॉस्टल का बॉयज़ का अलग हॉस्टल, गर्ल्स का अलग हॉस्टल है, तो मेरा यही जवाब है कि हॉस्टल में आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउस जॉब जो है वो पाकिस्तान से आके करनी चाहिए या वहाँ पे करके आनी चाहिए और उसका क्या टेन्योर होता है? जो मैंने आपको एमडी के बारे में बताया कि 7 साल की डिग्री है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो उसमें जो लास्ट 1.5 ईयर होती है वो हाउस जॉब ही कंसिस्ट होती है, तो आपको पाकिस्तान में जाकर हाउस जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो एमडी की डिग्री है उससे आप डायरेक्ट पाकिस्तान जाकर एनएलई दे सकते हो। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज कि एनएलई का क्या इशू है, एनएलई देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता और वो कंपलसरी है? अगर आप यहाँ से एमडी की डिग्री करके जाओगे तो आपको पाकिस्तान में एनएलई का ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अगर आप एमबीबीएस भी करके जाओगे तो 5.5 ईयर पे होता है, तो आप पाकिस्तान में जाकर हाउस जॉब करने के बाद आप एनएलई दे सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। तो थैंक यू काशिफ भाई फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। आप हमें जो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका इंटरव्यू कैसा लगा और अगर आपको कोई भी सवाल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।